बस मैंने कह दिया है, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। कल घर में दावत है, सब लोग आएंगे घर में, काम करवाना मेरे साथ। घर की दावत की वजह से मैं अपने स्कूल का फंक्शन नहीं छोड़ूंगी। कितनी जबान चलती है, कितनी जबान चलती है, एक बात की बात समझ में नहीं आती है क्या? फंक्शन देखने का इतना ही शौक है ना, तुम्हारी तेरी फरज चाची, उसको देख लेना, वो भी किसी फंक्शन से कम नहीं है, उसी को देख के एंजॉय कर लेना। खाने के टाइम पर वापस आ जाऊंगी, लेकिन जाऊंगी जरूर। सबान खींच के ना हाथ में दे दूंगी, कह दिया जब एक दफा नहीं जाएगी तो नहीं जाएगी। उठ जा, जा यहां से, नहीं लगा रही मैं तिल, भाग यहां से। मैं तो तुम्हारी बीवी को सीधी सादी औरत समझती थी, मगर वो तो बहुत ही चालाक निकली, बच्चे के स्कूल के मसले को अना का मसला बना के बैठ गई। अल्लाह माफ करे भाई, वैसे हिम्मत है तुम्हारी बेटा, जो इतने सालों से उसको बर्दाश्त कर रहे हो। तुम्हारी जगह अगर कोई और होता ना, तो कब से छोड़ के जा चुका होता। मैं भी छोड़ चुका होता, मगर वो घर में सबकी चहेती थी। अब्बू तो मुझे उससे ऊंची आवाज में बात तक करने नहीं देते थे। खैर, अब तो ना अब्बू रहे और ना वो घर रहा, अब तो तुम उसे छोड़ ही सकते हो ना? नहीं छोड़ सकते उसे। क्यों? क्यों नहीं छोड़ सकते? क्योंकि अब्बू ने मुझसे वादा लिया था कि मैं आसमां को कभी ना छोड़, लेकिन अब मैंने भी उससे कह दिया है कि खुद काम करो और बच्चे की स्कूल की फीस खुद भरो। मैं तुम्हें एक पैसा नहीं देने वाला, एक पैसा नहीं दूंगा। हाँ वो तो ठीक है, लेकिन अगर तुम उसे कोई पैसा नहीं दोगे तो खुद ही सोचो, वो तो तुम्हें खानदान में बदनाम कर देगी, और तो और अपने जेट से मांग लेगी, जैसे अभी मांगे हैं उसने। अब किसी से पैसे लेकर तो दिखाएगा वो हाल करूंगा कि पूरी जिंदगी याद रख। जाओ ना बेटा, बच्चा बेचारा कितना परेशान लग रहा है, कभी चाय तो लेके आओ। अम्मा कभी अकेले भी छोड़ दिया करो हमें। हाँ क्यों नहीं। बेस्ट ऑफ लव टीचर। भी नहीं कर सकती हो, तुम बावर्ची खाने में काम कर सकती हो, बड़ी आई, मैं काम करके दिखाऊंगी। अब मैं भी देखना चाहता हूं कि तुम क्या कर सकती हो, क्या कर सकती हो। लेकिन कुछ भी नहीं, लेकिन कुछ भी नहीं, बावर्ची खाने में काम कर सकती हो, बर्तन धो सकती हो, कपड़े धो सकती हो, बात कुछ भी नहीं कर सकती, कुछ भी नहीं कर सकती, कुछ भी नहीं कर सकती। Silence. Hey, हाँ, कल रात को जमाल भाई के यहाँ जाना है खाने पे। क्यों? वो वली जा रहे हैं ना लाहौर दुकान डालने के लिए, तो मिल भी लेंगे साथ में और खाना भी खा लेंगे। और हाँ, अम्मी बता रही थी कि अजरा पापी तुम्हें कॉल करती रही हैं, पर तुमने कॉल क्यों नहीं उठाई? तो तुमने अम्मी को नहीं बताया कि मैंने फोन क्यों नहीं उठाया उनका? पहले वो मुझे दस्ताने देती, उसके बाद खाने का इन्वाइट करती। छोड़ो ना यार इन बातों को, अब कल जाके इसका जिक्र मत करना उनके सामने। जिक्र तो उस वक्त होगा ना जब मैं जाऊंगी। अब ऐसा मत करो, अम्मी ने बुलाया, जाना तो पड़ेगा। क्यों जाना पड़ेगा, मेरा जाना वहाँ जरूरी थोड़ी, तुम चले जाना। ऐसा मत करो यार, अलग होने के बाद हम पहली बार इकट्ठे हो रहे हैं सारे। हाँ तो तुम ये भूल गए कि हम अलग क्यों हुए थे? अजरा भाभी ने सबके सामने बोला था कि दफा हो जाओ अपनी बीवी को लेकर। हाँ तो स्टैंड लिया था ना मैंने तुम्हारे लिए, अब तुम इन बातों को दोहराती रहोगी तो हम भाई कभी इकट्ठे हो ही नहीं पाएंगे।
तुम्हें किसने मना किया है अपने भाइयों से मिलने के लिए? जाओ मिलो अपने भाइयों से, खून का रिश्ता है तुम्हारा, लेकिन मैं नहीं जाऊंगी। फरत, अम्मी कहती खानदान औरत चलाती है, अगर तुम इस तरह आना जाना छोड़ दोगी तो कल कोई हमारे यहाँ भी नहीं आएगा, और इस तरह भाई अलग हो जाते हैं आपस में, इस तरह की बहुत मिसालें हमारे इर्द गिर्द। देखो वासिफ, अगर असमा भाभी के घर जाना होता ना, मैं खुशी खुशी जाती, बल्कि अपने हाथ से कुछ बनाकर लेकर जाती, लेकिन अजरा भाभी के यहाँ मैं हरगिज नहीं जाऊंगी। तुम नहीं जाओगी तो अम्मी को बुरा लग जाएगा। उनको बुरा लग जाए, तुम्हें उसकी फिक्र पड़ी है, पर इसकी फिक्र नहीं है कि तुम्हारी बीवी की इज्जत जा रही है। पहले भी इस बात को लेकर मैंने कॉम्प्रोमाइज किया था, लेकिन अब मैं कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगी। क्या कॉम्प्रोमाइज किया तुमने? शादी के पहले हफ्ते तुम्हारी माँ ने मुझे खीर पकाई का कहा, कितना गुस्सा आया था मुझे, एक लफ्ज नहीं बोला तुम्हारी शक्ल देखकर, लेकिन अब मैं किसी की बात नहीं सुनूंगी और अजरा भाभी के घर मैं हरगिज नहीं जाऊंगी। जमाल भाई के घर जाना है? हाँ, अच्छा, जमाल भाई के घर भी तो जाना है, उनके पैसे भी तो वापस करने हैं जो तुमने उनसे मांगे थे। छह बजे तक आ जाऊंगा मैं। मैं कल शाहजेब के स्कूल गई थी, टीचिंग के लिए बात की है मैंने उनसे। तुम नौकरी करोगी? आप ही ने तो कहा था खुद कोई काम करो, तो बच्चों को पढ़ाने से बेहतर और क्या काम हो सकता है। अच्छा अच्छा, तो तुम अब मुझे नीचा दिखाने के लिए जिद में नौकरी करोगी? हाँ नहीं, मैं तो जरा सी बात पे तो तुम्हारे आंसू टपकना शुरू हो जाते हैं। तुम क्या बच्चों को पढ़ो, चार दिन में तुम वहां से निकली, क्यों अपनी बेइज्जती करवाना चाह रही हो यार? जब निकालेंगे तो चली जाऊंगी। ठीक है, तुम अपना बेइज्जत होने का शौक भी पूरा कर लो, ताकि तुम्हें तुम्हारी औकात कभी पता चल सके। जी जमाल भाई, बस ठीक ही चल रहा है। वैसे ये महीना तो सभी के लिए डाउन था, काम अच्छा नहीं चल रहा किसी का भी। जमाल भाई, ये आपके लिए, इसमें से 10,000 रुपये कम हो गए थे जो कि असमा ने खर्च कर दिए थे, मगर मैंने वो भी पूरे कर दिए। लेकिन अब आइंदा आपको इसको पैसे देने की जरूरत नहीं है। मुझे नहीं मालूम क्या दुखड़े सुनाए होंगे इसने आपको, मगर मैं अपने बीवी बच्चे का अच्छे तरीके से ख्याल रखता हूं। नसीर, तेरा आराम से मेरी बात सुन लो। नसीर भाई, आपको गाड़ी थोड़ी आगे पार्क करनी होगी। ये पैसों का किसने बताया इसे? मैंने नहीं बताया उन्हें, मैं तो खुद हैरान हूं कि इनको कैसे पता चला। चलो फिक्र मत करना, मैं बात करती हूँ। नहीं अम्मी, आप कुछ मत कहिए, आप कहेंगे तो घर जाके फिर मुझ पर चिल्लाने लगेंगे। असमा ठीक कह रही है अम्मी, इससे बात करेंगे ना बिला वजह कट जाएगा।